Hello children, this is your SST period and today we are continuing the history part with the chapter 3 from hunter gatherers to farmers. Means last two chapters हमने पढ़ा था the evolution of the human being. अब हमने Paleolithic age, Mesolithic age और Neolithic age के बारे में पढ़ा था और क्या क्या उनके अंदर उन्होंने discover किया, invent किया, क्या क्या उनके अंदर developments आए, improvements आए, ये सब हमने पढ़ा है. Now in this chapter, we also read about the improvement and most development in the human. How can he became farmer from a hunter or gatherer? कि एक शिकारी से एक gatherer से वो कैसे farmer बना? How he learned to grow crops? See here, lions and wolves are said to be perfect hunters. Lions और जो wolves होती हैं, उनको हम एक अच्छा शिकारी मानते हैं. Hunters में शिकारी और गैदरर मीन्स कलेक्ट करने वाला, गैदर करने वाला. सिमिलरली बीज आर नोन एज गैदरर्स. लाइंस एंड वॉल्स कम्युनिकेट क्वाइट वेल टू हंट एज अ ग्रुप वाइल बीज कैन टेल ईच अदर वेयर द बेस्ट पॉलन इज. फॉर ऑलमोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम एटलीस्ट 3 मिलियन अगो मैनकाइंड हैज लिव्ड बाय कैरिंग आउट द टू बेसिक एक्टिविटीज हंटिंग और फिशिंग एंड गैदरिंग. मीन्स जो लाइन्स होते हैं, बीज होती हैं, मीन्स जो भी एनिमल्स होते हैं, दे आर गुड हंटर्स एंड दे आर नो कि इन अ ग्रुप हाउ कैन दे कम्युनिकेट देयर मैसेजेस. जैसे जो बीज होती हैं है ना, हनी बीज जो होती हैं, उनकी साउंड क्या होती है, बज. तो बाय देयर बजिंग, बाय देयर साउंड, और एनी एनिमल बाय देयर साउंड they communicate the messages of their hunts. कि जो इनका शिकार होता है उसके लिए ये एक दूसरे को मैसेज करते हैं थ्रू देयर साउंड. ओके, इसके अलावा बीज भी बताती है अपनी हम्स के थ्रू, अपनी बस के थ्रू कि बेस्ट पॉलन कहाँ मिलेगा. सेम इसी तरह से जो ह्यूमन बींग है हिस्ट्री में, जिसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, 3 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी है. तो इंसान ने भी, ह्यूमन बींग ने भी क्या सीखा, बेसिक टू एक्टिविटीज सीखी, तो हंटिंग और दूसरा गैदरिंग, शिकार करना. अब चाहे शिकार किसी एनिमल का हो, फिशिंग का हो, किसी फिश को मार के खाना हो, या और किसी चीज को कलेक्ट करना हो, तो किसको कलेक्ट करेंगे. सो टू बेसिक एक्टिविटीज हंटिंग और फिशिंग एंड गैदरिंग एडिबल आइटम्स ऑफ एनी काइंड फ्रॉम फ्रूट्स टू इंसेक्ट्स. मीन्स फलों से लेके जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे, इन सबको मारकर खाना, इनको इकट्ठा करना, ये ह्यूमन बींग ने सीख लिया था. बट देन अ चेंज केम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो व्हेन मैन फर्स्ट डिस्कवर्ड हाउ टू कल्टीवेट क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स. लेकिन अराउंड 10,000 ईयर्स बिफोर इंसान में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया. क्या, उसने डिस्कवर किया कि क्रॉप्स को कैसे कल्टीवेट किया जाए और एनिमल्स को कैसे डोमेस्टिकेट किया जाए. मीन्स क्रॉप्स को कैसे ग्रो करना है और एनिमल्स को कैसे अपने पास पालना है, रखना और उनका यूज करना है. सो फर्स्टली वी विल रीड फ्रॉम द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन. क्योंकि ये सब चेंजेस कहाँ से आए थे, नियोलिथिक पीरियड से ही आए थे, नियोलिथिक एज से आए थे. सो इन दिस चैप्टर विल स्टार्ट फ्रॉम द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन का मतलब वैसे तो होता है क्रांति करना, बट क्रांति का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज, जो एक रिमार्केबल चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. ओके, सो दिस रिवॉल्यूशन इज अराउंड 8000 BC टू 4000 BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मीन्स गॉड जीसस के बर्थ से भी पहले. ओके, नाउ स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ कल्टीवेशन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री. कल्टीवेशन और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था, बहुत ड्रास्टिक चेंज था ह्यूमन हिस्ट्री में. इट हैपन विद द स्टोन एज, फॉर टूल्स वर स्टिल फ्लिंट रादर देन मेटल, बट इट वॉज द डिवाइडिंग लाइन विच सेपरेट द ओल्ड स्टोन एज फ्रॉम द न्यू स्टोन एज. इट हैज़ राइटली बीन टर्म्ड एज नियोलिथिक रिवॉल्यूशन. मीन्स नियोलिथिक रिवॉल्यूशन में जो स्टोन टूल्स यूज करती थी मैनकाइंड, उसमें इम्प्रूवमेंट्स आए, चेंजेस आए. हालांकि बेस वही था उनका स्टोन का, लेकिन उसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया और ज़्यादा डेवलपमेंट किया कि उनको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको और ज़्यादा शार्पन बनाया, एजेबल बनाया, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था.
इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन नाम दिया है। नाउ बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, अब उन्होंने फार्मिंग करना कैसे शुरू किया। अब एज वी नो अवर अर्ली मैनकाइंड, अवर एंसेस्टर्स वर नोमेड्स, नोमेड्स थे, नोमेड्स मतलब हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर। ओके, नाउ दे डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एन एंशियंट मैनर, सॉरी एक्सीडेंटल मैनर। दे नोटिस दैट इफ सीड्स ब्रोक फ्रॉम द स्टॉक्स एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और इफ दे एक्सीडेंटली ड्रॉप सम सीड ऑन द ग्राउंड, न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम। सो दे स्टार्टेड सोइंग सीड्स एंड दे बिकम फूड प्रोड्यूसर। अब इंसान ने ये चीज़ भी एक्सीडेंटली ही सीखी, जैसे फायर का इन्वेंशन एक्सीडेंटली हो गया था कि जब वो स्टोन्स को रब कर रहे थे तो उसमें से थोड़ा चिंगारी निकली, जिससे कि वहाँ पर आसपास की ड्राई ग्रास में आग लग गई थी। इसी तरह इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने फार्मिंग सीखी वो भी थोड़ा एक्सीडेंटली हुआ। कैसे, इन्होंने देखा, नोटिस किया कि ट्रीज के स्टॉक से जो बीज गिरते हैं ज़मीन पर वो ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं, ठीक है। इस तरह से उन्होंने देखा कि यदि हम भी कुछ सीड्स यदि ज़मीन में डालेंगे तो वो ग्रो हो जाएंगे और उनसे प्लांट बनेगा और हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। दस दे बिगिन टू कल्टिवेट प्लांट्स नॉट जस्ट सीरियल्स लाइक पीट, बाले, राइस, बट ऑल्सो पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। द फर्स्ट सीरियल टू बी ग्रोन वर वीट एंड बाले। तो उस टाइम के मैनकाइंड ने केवल वीट, बाले, राइस को ग्रो करना ही नहीं सीखा, बल्कि डिफरेंट पल्सेस को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को भी उन्होंने ग्रो किया। और सबसे पहले जो अनाज उन्होंने उगाया ना, वो कौन सा था, वीट एंड बाले। ऑल्सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंस स्टार्टेड कल्टिवेटिंग मोर फूड क्रॉप्स, इंसान ने और भी ज़्यादा फूड क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया। सिकल हैव बीन फाउंड एट मैनी नियोलिथिक साइट्स विच आर फार्मिंग टूल्स। बहुत से नियोलिथिक साइट्स ऐसी हैं वर्ल्ड में जहाँ पर कि इनके फार्मिंग में काम आने वाले टूल्स मिले हैं, जैसे कि सिकल। सिकल सभी जानते हैं, वो हाफ मून शेप्ड होता है, इसको हाथ में पकड़ के, इसमें छोटा सा हैंडल होता है, हाथ में पकड़ के क्रॉप्स को कट करते हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने देखा होगा फार्मर्स को, क्रॉप्स को कट करते हुए। यस, हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फार्मिंग, कि लोग फार्मिंग कर रहे हैं। देखिए, डॉग ऑल्सो वी कैन सी हेयर, द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। एंड वन मोर पिक्चर आई वॉन्ट टू शो यू हेयर, एंशियंट इजिप्टियन फार्मर। सी, आई टुक दिस पिक्चर फ्रॉम अनदर बुक, आई कलेक्ट सम बुक्स फॉर ओनली यू, दैट्स वाई आई कैन गिव यू सम पिक्चर्स और सम न्यू आइडियाज। ओके, कम बैक टू अवर पॉइंट। नाउ सी द अमेजिंग फैक्ट, द टर्म न्योलिथिक वाज कॉइंड बाय सर जॉन लुबॉक इन 1865 इन हिज बुक प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। मीन, सबसे पहले न्योलिथिक टर्म का यूज किसने किया, सर जॉन लुबॉक ने किया। और कहाँ पे किया था, उन्होंने अपनी बुक, कौन सी बुक थी, प्रीहिस्टोरिक टाइम्स, 1865 में पब्लिश हुई थी, उसमें सर जॉन लुबॉक ने टर्म न्योलिथिक का सबसे पहला यूज किया था। एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन, देयर लाइफ्स वर सेटल। अब एग्रीकल्चर ने क्या किया, अर्ली ह्यूमन की लाइफ को चेंज कर दिया, उनकी लाइफ सेटल हो गई थी। दे डिडंट हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। अब क्योंकि उनको एग्रीकल्चर करना आ गया था, क्रॉप्स ग्रो करना आ गया था, अब उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना नहीं पड़ता था अपने फूड के सर्च के लिए। दे स्टेड एट वन प्लेस एंड ग्रो क्रॉप्स, दे मेड मड हाउसेज नियर द फील्ड्स, दे कल्टिवेटेड फील्ड्स, हंटेड एनिमल्स एंड मेड टूल्स एंड वेपन्स। अब देखो क्या हुआ, इंसान क्यों घूमता है कहीं इधर से उधर। कई बार देखो हम भी माइग्रेट करते हैं, चाहे हमारी फैमिली में हो कोई भी मेंबर या हमारे नेबर में हो। एज वी नो कि कुछ लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, किसी के पापा बाहर जॉब करते हैं, किसी की मम्मी का बाहर जॉब होता है, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे यहाँ रहते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब। और हम जॉब क्यों करते हैं, जस्ट टू अर्न मनी, दैट्स वाई वी कैन ईट फूड, वी कैन प्रोवाइड फूड, वेजिटेबल्स, वी कैन प्रोवाइड एवरीथिंग टू अवर फैमिली मेम्बर्स। तो सेम वहीं पे था, यदि एक ही जगह पर हमें वहीं पर अपना जॉब मिल रहा है तो हम वहीं रहते,
ठीक है, तो सेम इस अर्ली मैन के साथ ही था कि इन्होंने जब क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर लिया था तो इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं पर इन्होंने अपने छोटे छोटे घर बनाए, उसमें रहने लगे और अपने वहीं पर जो ज़मीनें थी, इनके पास लैंड था, उनको अपने खेतों में चेंज कर लिया वहाँ पे क्रॉप्स उगा कर। अब उन्होंने क्या किया, वहीं पर रहकर एनिमल्स को पालना शुरू किया और अपने टूल्स और वेपन्स भी बनाए, यानी टोटली इनकी लाइफ अब बिल्कुल सेटल हो गई थी। कौन सी एज में? नियोलिथिक एज में। द शिफ्ट फ्रॉम गैदरिंग फूड टू ग्रोइंग वाज अ मेजर इवेंट। अब एक मैनकाइंड का, अर्ली ह्यूमन का, एक हंटर से, गैदरर से फार्मर बनना एक मेजर इवेंट था इस एज का। दिस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द वे पीपल लिव। मोर फूड कुड नॉट बी प्रोड्यूस देन वॉज रिक्वायर्ड फॉर द पीपल। ये लोग बस उतना ही फूड ग्रो करते थे, उगाते थे, जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती थी। आज की तरह नहीं था कि बस कलेक्ट करते जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए तो उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा सुखी थे, शांति थी उनके दिमाग में, आज नहीं है, क्योंकि आज का ह्यूमन बींग कैसा हो गया, जस्ट रिवर्स ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग हो गया है। दिस लेड टू मैथड ऑफ सेविंग एंड प्रोबेबली प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अब इससे क्या हुआ कि ये सिर्फ उतना ही करते थे, उगाते थे या उतना ही वह अपना सामान कलेक्ट करते थे जितनी की रिक्वायरमेंट होती थी, एक्स्ट्रा कुछ होता था तो ठीक है, और ये फ्यूचर के लिए बचा के नहीं रखते थे, बहुत कम ऐसा होता था। फूड कुड बी स्टोर्ड अनटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। केवल जो फूड होता था, ऐसा फूड जो कि अब नेक्स्ट सीजन में ही उगाना है, बस तब तक के लिए ही उसको स्टोर किया जाता था। जैसे कुछ क्रॉप्स होती ना अपने अपने सीजन में ग्रो की जाती हैं, तो सेम ऐसा ही था कि जैसे नेक्स्ट सीजन में जो क्रॉप उगानी है तो अपने को अपने उसको बचा के रखना है। आफ्टर ईच क्रॉप वॉज हार्वेस्टेड द फील्ड्स वर क्लियर फॉर द नेक्स्ट सीजन बाय बर्निंग द फील्ड्स। अब एक बार जो फसल को हार्वेस्ट कर लेते थे, काट लेते थे, तो उसके बाद ये अपने अपने फील्ड्स को क्या करते थे, साफ करते थे। कैसे करते थे कि उनके अंदर कुछ जो बच जाता था, ठीक है, लकड़ी वगैरह कुछ भी, तो उस सबको जला देते थे और फिर खेतों को साफ करते थे। ऐश माउंट्स एज वेल एज हैबिटेशन साइट्स वर हैज बीन डिस्कवर्ड इन ब्रह्मगिरी एंड आलोर इन कर्नाटका एंड पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु। यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के इन प्लेसेस में इस तरह के साइट्स डिस्कवर किए गए हैं। सी द अमेजिंग फैक्ट, अराउंड 7000 BC टर्किश हाउसेज वर बिल्ट टुगेदर विद नो स्ट्रीट्स टू सेपरेट द हाउस, एंट्री वाज थ्रू होल्स इन द रूफ्स। करीबन 7000 साल पहले जो तुर्क है देश, वहाँ के जो हाउस थे वो इस तरह से बनाए गए थे कि उनमें गलियाँ नहीं थी हाउसेज को अलग अलग करने के लिए, बल्कि होल्स होते थे छत पर जिनसे कि वो अपने घर में एंट्री करते थे। अब सी द चिल्ड्रन, अब न्यू टॉपिक है इधर, बिगिनिंग ऑफ अ सेटल लाइफ एंड अर्ली विलेजेस। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू रीड दिस। नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।